بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سورة الزخرف और जैसा कि आपके इल्म में है कि दरमियान में जो इंतजार आया है माह रमज़ान की वजह से तकरीबन डेढ़ महीना पहले ये सूरत हमने शुरू की थी और इसकी अभी मैंने आपके सामने आयत नंबर 40, 41, 42, 43 और 44 चंद आयत पढ़ी हैं। इन आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया है अफ़ अंता तुस्मिउ सुम्मा, ऐ मेरे नबी क्या आप बहरे को सुना सकते हैं औ तहदिल उमिया, या अंधे को सीधा रास्ता दिखा सकते हैं वमन काना फी ज़लालिम मुबीन, और वो शख्स जो कि खुली हुई गुमराही में है क्या उसे आप राह रास्ते पर ला सकते हैं। इस आयत को मक्का मुकर्रमा के लोग जिनकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया था अगर उन लोगों के हालात को सामने रखकर थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ा जाए तो मालूम हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां अंधे किन को कह रहा है। अंधे कौन है और बहरे कौन है, और उन अंधो बहरों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे खलूस के साथ, इतना खलूस के उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है कि मेरी कौम, मेरा कबीला, मेरे लोग ये किसी तरह राह रास्त पे आ जाएं, ये लोग जहन्नम में न जाएं। पूरे खलूस के साथ दिल की गहराइयों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि ये लोग हिदायत पा जाएं, लेकिन उन लोगों ने हिदायत का रास्ता तलाश नहीं किया, इसकी कोशिश ही नहीं की। और जो आदमी राह हिदायत की तलाश ही ना करे, कोशिश ही ना करे, इस तरफ तवज्जो ही ना दे तो उसे हिदायत कैसे मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना निजाम है वलनहदियन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हम यकीनन यकीनन हिदायत देते हैं किनको, अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम
जो लोग हमारे बारे में, जो लोग हमारी राह को तलाश करने में, जो लोग हमें पाने में कोशिश करें, वल्लदीना जाहदू फीना, जिहाद करें, कोशिश करें, इज्तिहाद करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, लनहदयन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें अपने रास्ते यकीनन देते हैं। हम तक पहुंचने के लिए कोई कोशिश करे हम उसे रास्ता बता देते हैं, और अगर कोई पहुंचने की कोशिश ना करे, उस तरफ रास्ते की तरफ कदम ही ना उठाए, तो उसको हिदायत कैसे नसीब होगी। और जो हिदायत पाने की बजाय हिदायत लाने वाले आदमी के खिलाफ हो जाएं, उसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाएं, जाहिर है कि उनसे बड़ा अंधा और बहरा और कौन होगा। एक आदमी राह हिदायत में लाना चाहता है, ये चाहता है कि इन लोगों को जहन्नम से बचा लूं, इन लोगों को जन्नत के रास्ते पर चढ़ा दूं, जो उसके भी खिलाफ हो जाए वो इंतहाई अंधा और बहरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अफअंता तुस्मिउ सुम, क्या आप बहरे को सुना सकते हैं, औ तहदिल उमिया, या अंधे को रास्ता, सीधा रास्ता दिखा सकते हैं, फमन काना फी दलाले मुबीन, और उन लोगों को जो के खुली हुई गुमराही, खुली हुई वाज़े गुमराही, हक आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से उनके लिए आयात नाज़िल कर दी, जमीन से उनकी अपनी कौम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए नबी मबूस फरमा दिया। किताब कह सकते थे कि हम नहीं समझते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी अपनी कौम से उनकी अपनी जबान का नबी उनकी तरफ मबूस कर दिया। अगर मक्का वालों में कोई पाकिस्तानी इंडियन आदमी को नबी बना के भेजा जाता तो उनके पास हुज्जत थी ना, भाई ये तो उर्दू बोलता है, पंजाबी, हिंदी या सिंधी बोलता है, हमें समझ नहीं आई इसने क्या कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस हुज्जत को कायम ही नहीं होने दी। उनकी अपनी कौम अरब, उनके अपने खास कबाइल और खास शहर मक्का से अपना नबी मबूस फरमाया, जो कि उनकी अपनी कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता है, ताकि ये कह न सकें कि हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या कहता रहा और इसका क्या कहना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका वो रास्ता ही बंद कर दिया और फरमाया कि आप बहरे को और अंधे को और जो सीधा खुली हुई वाज़े गुमराही में है उसे आप हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी को फरमाया कि आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। और ये मौजू सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, कुरान करीम के कई मकाम ऐसे हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौजू को बयान फरमाया है, और उन मकाम में से ही एक मकाम सूरतुर रूम भी है। सूरतुर रूम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फइन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ, ऐ मेरे नबी, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना ही बहरे को पुकार सुना सकते। जो बहरा है उसे भी नहीं सुना सकते और मुर्दा है उसे भी नहीं सुना सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे नबी, तू मुर्दे को नहीं सुना सकता। हमारे लोग कहते हैं कि हमारे मुर्दे सुनते हैं, हमारे मुर्दे सुनते हैं, हमारे मुर्दे हमारी बातों का जवाब देते हैं, हमारे मुर्दे हमारे मुतालबात पूरे करते हैं, क्या ये बात मुमकिन है? मैं और आप कहां इस बात की मूली, किस थाली का व्यंजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरे नौ इंसानी के सबसे अशरफ और अफजल तरीन इंसान, तमाम अंबिया के सरदार और इमाम हैं, अल्लाह उनसे मुखातिब कह रहा है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे नबी, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। हमारा भाई कहता है, नहीं, हमारे मुर्दे सुनते हैं,
شيخ الاسلام شيخ القران والتفسير شيخ الحديث اتنے بڑے بڑے لقب لگے ہوئے ہیں قرآن کریم کا ایک مقام نہیں کئی مقامات پر یہ بات اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ہمارا مولوی کہہ جا رہا ہے نہیں مردے سنتے ہیں ہماری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں ولا تسمع الصم الدعاء اور نہ ہی آپ بہرے بہرے کو جو کہ زندہ ہے اسے نہیں سنا سکتے اور جو مر چکا قبر کے پیٹ میں جا چکا چار پانچ فٹ زمین کے نیچے ہے اور اوپر مٹی کا ڈھیر ہے اور ہماری تو عام یہ جن کے مردے سنتے ہیں ان کی قبریں بھی عام سی نہیں ہوتی کہ بھائی تین فٹ نیچے ہے اوپر کچی مٹی ہے شاید کوئی آواز گھس جائے پہلے چار پانچ فٹ نیچے زمین میں اوپر مٹی اور اس کے اوپر سیمنٹ کے ساتھ ریت سیمنٹ لگا کے اتنا ٹائٹ کر دیا گیا ہوتا ہے کہ آواز کے اندر جانے کا کوئی چانس نہ رہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مردے سنتے ہمارے مزاروں کا یہی عالم ہے نا نیچے قبر ہے قبر کے اوپر پھر بلڈنگ میں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے پاس جتنا پیسہ اس کے مردے کی مجھے بلڈنگ بڑی اور اس بلڈنگ میں جہاں سیمنٹ سریا ہر چیز لگائی گئی ہے اب وہاں جا کے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے ہیں ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں کتنا عجیب ذہن ہے ہمارے لوگوں کا جب کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تردید فرما دی کہ اور نہ صرف یہ کہ ہمیں خطاب کرتے ہوئے بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے یہی بات سورۃ النمل میں جا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء بالکل ملتے جلتے الفاظ ایسے جیسا کہ وہی بات ایک دوسرے مقام پر کسی دوسرے پیرائے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا بلکہ یہ دیکھیے الفاظ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین اور یہ آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى صرف شروع میں فا زیادہ ہے مکمل آیت بالکل اسی طرح فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ سورہ روم میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اے میرے نبی یہ جو اندھے ہیں آنکھوں کے اندھے بھی نہیں بلکہ اصل میں یہ عقل کے اندھے ان عقل کے اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے عقل کے اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ان متعدد مقامات پر فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ ان کو سنا نہیں سکتے اور جب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے مشرکین مکہ اور خاص طور پر قرآن کریم میں سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی آپ انک لا تہدی من احببت اے میرے نبی جسے تو چاہے کہ اسے راہ راست پہ لگا دے جسے تو چاہے کہ اسے ہدایت پہ لے آئے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت صرف اسے ملے گی جسے اللہ چاہے آپ چاہے جتنی بھی کوششیں کریں آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اور ہمارے یہاں تو پہلے بھی میں نے یہاں ذکر کیا ہے ہمارے یہاں تو ہدایت کیا ہمارے یہاں تو بڑی بڑی چیزیں لوگ ایسے دے دیتے ہیں آپ نے واقعہ سنا سلام میرا حضرت نے جماعت کرائی سلام میرا جتنے لوگ دائیں طرف تھے حافظ قرآن کو یہ فیصلہ
एजाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, तू जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकता। और ये पता किसके बारे में आज नाज़िल हुई? सही बुखारी और सही मुस्लिम में वाकया मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, और ये चचा भी कौन है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और मैदान दावत अरशाद में ये आदमी दीवार बन के मुशरिकीन के सामने खड़ा रहा, खुद मुशरिक रहा, लेकिन अपने भतीजे को जरा आंच नहीं आने दी। इतना जानसार, इतना मुखलिस अपने भतीजे का, लेकिन मुखलिस तो रिश्ते का है, रिश्ते का मुखलिस है, मनसब का मुखलिस नहीं हुआ। मनसब नबूवत था वो कबूल नहीं की, लेकिन रिश्ते का इतना मुखलिस है, कहा कि भतीजे जब तक मेरी जान में जान है, मक्का वालों में से कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता, जाओ जो करना है। मालूम हुआ क्या? लेकिन वहां नजर काम नहीं किया, नजर ने काम नहीं किया। हमारे मौलवियों की नजर अजीब काम कर जाती है, सलाम फेरो लोग हाफिज़े कुरान हो, किसी को गौर से देख लिया चोर से कुतुब हो गया। कितनी अजीबोगरीब किस्म की कहानियां मालूम। कहते हैं कि नजरे करम इतना सिर्फ गौर से देख लेना चोर को कुतुब बना देता है। यहां देखिए आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम, पूरे बनी नौ इंसान के सरदार, अशरफुल खल्क, इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान है, और जिस घर में पल रहे, जिस घर में पले बड़े जवान हुए, जो आदमी इतना तावड़ कर रहा है, इतना साथ साथ चल रहा है, जब मामला हिदायत का आया तो फरमाया इन्ना खला तहदी मन अहबब। और सही बुखारी में जो वाकया है वो मौजूद है, मजबूर है, कि जब अबू तालिब फौत होने लगे, हमारे यहां तो कहते हैं ना हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, पाकों हिंद में ना सिर्फ शिया बल्कि बाल सुन्नी मौलवी, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मामिन, आपके चचा, इंतहाई मुअज्जज इंसान, लेकिन इंसान इस्लाम की दौलत से महरूम रहे, उनको ना सिर्फ रजी अल्लाह अन्हु, सहाबी हो जाए कोई तो उसके लिए शर्म है कि अल्लाह ने कहा रजी अल्लाह अन्हु व रज़वानहु, आप उसे रजी अल्लाह अन्हु कहें। लेकिन जब कुफर को छोड़कर मुसलमान हो जाए तो रजी अल्लाह अन्हु। अबू तालिब कुफर नहीं छोड़ रहे, मौत करीब है, मक्का वाले सरदार अबू जहल और उसकी पार्टी, ये पूरी अपोजिशन पार्टी एक तरफ मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर है, अपने चचा का घर है, आपको तो वहां आने से कोई रोक नहीं सकता। ये सरदार भी आ गए, आप कहते हैं चचा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, एक मरतबा जाते जाते ही पढ़ लो, कम से कम मैं अल्लाह के सामने आपकी सवारी करने के लिए लायक हो जाऊं। आप कहते हैं कलमा पढ़ लो, और अपोजिशन वाले क्या नारा लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी छोड़ी तो देखो, ऐसा ना हो कि जाते जाते कहीं भतीजे का दीन इख्तियार कर, और नतीजा क्या निकला? बिल आखिर अबू तालिब की जबान से जो कलिमात निकले वो थे अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप दादा, मैं अपने बाप के मजहब जो कि कबीले के सरदार हैं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत उनके मजहब पर मर रहा। इस्लाम नसीब नहीं हुआ, और हमारा मौलवी कहता है
अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूं कि अलैहिस्सलाम तो बाद की बात है, इनके लिए तो रजी अल्लाह अन्हु भी नहीं बनता। रजी अल्लाह तआला अन्हु तब बनता जब मुसलमान होते, शहाबी हो जाते, और आपने उनके साथ वो लफ्ज लगा दिया जो कि अमूमन सिर्फ अंबिया के साथ था। और ये पाक व हिंद में आम है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और इनका बस चले तो ये अबू लहब भी अलैहिस्सलाम करें, क्योंकि वो भी तो चचा ही थे, वो भी मुसलमान नहीं हुए, लेकिन उनकी अबू लहब की बात हरकतें हमें याद है कि इसने बदतमीजियां की, गुस्ताखियां की, ये किया वो किया, उस तरफ तो अलैहिस्सलाम नहीं, रजी अल्लाह अन्हु भी नहीं, लेकिन अबू तालिब के लिए। और बहुत कहानियां कर रखी हैं कि उनको फिर से जिंदा किया गया, और उनको इस्लाम, और उनको ये, और उनको वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू तालिब के बारे में बतौर खास उस मौके पर याद नाज़िल की और फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ मेरे नबी, जिसे तू हिदायत देना चाहे और मैं ना चाहूं उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसे अल्लाह चाहे हिदायत दे। नबी के लिए ये आम, नबी के लिए ये आम है, और हमारे मौलवियों की नजर इतना काम करती है कि ये और वो कर दे। वहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिन रसूल, पांच वो खास अंबिया जिनको उलुल अज़्म मिन रसूल करा दिया गया, उनमें से बीवी पे नजर ने काम नहीं किया, बेटे पे नजर ने काम नहीं किया, और हमारी नजर इतनी तेज है हमारे मौलवियों की कि जिधर मुंह करें उधर इस्लाम इस्लाम, कुरान ही कुरान, और उनके सीने खुल जाते हैं, उनकी किस्मतें बदल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर फरमाया कि ऐ मेरे नबी, आप जिसे हिदायत देना चाहें ये आपके बस की बात नहीं है, हिदायत उसे मिलेगी जिसे हम हिदायत देना चाहें। जनाज़े फरमाया फहर अफहर ततुस में सुन्ना, क्या आप बहरे को सुनाएंगे और तहदिल उमिया, या अंधे को राह दिखाएंगे, वमन काना फी दलालिल मुबीन, और उन लोगों को, ऐसे लोगों को हिदायत देंगे जो कि खुली हुई गुमराही में है। ये बज़ाहर सवाल है लेकिन यहाँ इनकार, इस्तफहाम इनकारी, कि अल्लाह ने इस बात का इनकार किया कि ऐ मेरे नबी, आप ये नहीं करते जो खुली हुई गुमराही में है, जो आंखों के और अकल के अंधे हैं, उन लोगों को तू हिदायत पे नहीं ला सकता। ऐ मेरे नबी, अगर हम आपको ले जाए, अगर हम आपको ले भी जाए, यानी मक्का मुकरमा से आपको निकाल कर मदीना मनवरा ले जाए, या आपको इस दुनिया से उठा लें, फौत कर लें, फइन्ना मिन्हुम मुंतकिमून, हम इन जालिमों से, इन काफिरों से इंतकाम लेंगे। आप यहां रहें या ना रहें, मक्का में रहें या मदीना में आपको ले जाया जाए, दुनिया में रहें या आपको उठा लिया जाए, हम इन मुशरिकीन से इंतकाम लेंगे। मुशरिकीन मक्का के हालात के बारे में आपके इल्म है कि वो दिल ही दिल में कुड़ते रहते थे कि ये हमें क्या, हमारे ये क्या मुसीबत हमारे गले में आ गई है। हम अच्छे पहले चल रहे थे, इसने आके नए दीन का नारा लगा के हमारे अंदर इख्तलाफात और ये और वो पैदा कर दिए, भाई भाई से अलग हो गया, बच्चे अपनी माँ बाप से अलग हो गए, जो मुसलमान होता, माँ बाप नहीं होते तो ना सही, भाई बहन नहीं होते तो ना सही, किसी की औलाद नहीं होती ना उसी, जिसको अल्लाह तौफीक दे देता वो इस्लाम में दाखिल हो जाता, रिश्तों की परवाह नहीं करता। ये उस जमाने में लोगों में कितना खलूस था अपने दीन के लिए, और आज तुम्हारा क्या हाल है? दीन कबूल कर लिया, सारी रिश्तेदारियां छोड़, कहा कि इस्लाम ले आए हैं,
अब जो इस्लाम कहेगा या जो इस्लाम में हमारे साथ चलेगा हम उसके साथ हैं, वरना हम किसी के साथ नहीं। आज हम पैदा ही दीन में होते हैं, पैदा ही मुसलमान होते हैं, लेकिन दीन के लिए रिश्तेदारी को छोड़ने के लिए तैयार। हमारी शादियां, हमारी मरकें, मर जाए तो हमारे यहां क्या क्या कुछ होता है, बच्चे की विलादत हो क्या क्या कुछ होता है, शादियां हो क्या क्या कुछ होता है। रिश्तेदारों को राजी करने के लिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, कुरान को, शरीयत को, किसी भी चीज को ठुकरा देते हैं। वो लोग जब मुसलमान होते थे वो रिश्तेदारियां ठुकरा देते थे, हत्ता कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हाल देखें। आज कई लोग ये समझते हैं कि नहीं, कुछ थोड़ा सा मरोपत से काम ले लेना चाहिए, इतना भी क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जर्रा भी इस मामले में कुताही करते, आप मक्का मुकर्रमा में इंतहाई मुअज्जज और मुकर्रम थे। 40 साल मक्का वालों ने अपनी आंखों में उठा के रखा, इतनी इज्जत की, इतना एहतराम दिया कि पूरी तारीख में किसी के लिए इतना एहतराम साबित नहीं है। अमानतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबुवत हासिल होने से पहले सादक और अमीन का लकब आपको मिला हुआ था, लेकिन जब लोगों को दावत दी तौहीद की, तौहीद की तरफ बुलाया, वही लोग जो कल तक सादक व अमीन कहने वाले हैं उन्हीं लोगों ने जुटला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुकात खत्म कर दिए, रिश्तेदारियां छोड़ दी, हत्ता के वो 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को देखने को मिले जो मुसलसल भूख और प्यास में, शेबे अभी तालब में आपको गोया के मुकम्मल सोशल बाइकॉट करके बंद कर दिया। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के मामले में मुदाखलत नहीं की, ये नहीं थी कि रिश्तेदार है कोई बात नहीं, हम कोई बैंक में काम कर रहा हो उससे मिलना जुलना, और बैंक भी सूदी, जिसकी रोजी रोटी हर चीज हराम की, हम उसके साथ मिलने में कोई इतना महसूस ही नहीं करते। रिश्तेदारियां कायम हैं, बल्कि बेटियां दे रहे हैं, बेटियां ले रहे हैं। लेने का मामला तो मेरा ख्याल है जरा चल जाएगा, बेटी ले अपने घर में हलाल खिलाए, अपनी बेटियां भी उनके घरों में देना शुरू कर दे, परवाह नहीं। मुशरकीन है, रिश्तेदारियां कायम है, लेकिन वहां ऐसा नहीं। इस्लाम लाए, सारे मामला खत्म कर दिए। मुशरकीन मक्का ये चाहते थे कि ये जो हमारे अंदर आके मसला पैदा कर दिया इस इंसान ने, इसके लिए कोई ना कोई हल सोचना होगा। कत्ल की साजिशें की गई, 36 के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपनी खास निगरानी में रखा, बचाया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है मेरे नबी आप दावत और इरशाद के मैदान में खुल के काम करें, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों के शर से तुम्हें महफूज रखेगा। तकलीफें आई लेकिन कत्ल की नौबत नहीं आ सकी, पूरी कोशिशें, इंतहाई कोशिशें की गई। वो चाहते हैं कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको मुल्क से निकलने, शहर से निकलने पर मजबूर कर दिया जाए, इसको मजनून, इसको जादूगर, इसको काहिन, इसको कुछ भी कह के बेवकार किया जाए, लेकिन जिसे अल्लाह वकार अता करे उसे दुनिया का कोई शख्स बेवकार नहीं कर सकता। आदमी बेवकार हो जाए बाद में से असर खत्म हो जाता है कि भाई इसकी क्या बात करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वकार दिया हुआ था, वो बहाल रहा, हर हाल में उन्होंने कोशिशें की। उसी का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ मेरे नबी ये जो कुछ करतूत कर रहे हैं आप इनके अंदर मौजूद रहें या मदीना मुनव्वरा में चले जाएं।
आप इनके अंदर मौजूद रहे या फौत हो जाए, कुछ भी होगा इन्ना मुंतकिमून, हम इनसे इंतकाम लेंगे, यानी इनको सजा दी जाएगी। फइन्ना मिनहुम मुंतकिमून, हम इनसे जरूर इंतकाम लेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिकीन के साथ क्या किया, ग़ज़वाए बदर में क्या हुआ, उहद में क्या हुआ, उसके बाद तबूक, हुनैन, खास मुशरिकीन मक्का के लिए ग़ज़वाए बदर उनकी नस्लों के लिए क़यामत तक के लिए एक इबरतनाक जंग है ग़ज़वाए बदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ग़ज़वाए बदर में सजा दे दी और वही उसी का तज़किरा करते हुए फ़इन्ना मिनहुम मुंतकिमून, हम इनसे इंतकाम जरूर लेंगे। और या फिर ऐ मेरे नबी, हम आपको दिखा देंगे जो हमने इनसे वादा किया है, इनसे अजाब का, इंतकाम का जो वादा है हमारा, हम आपको यकीनन दिखा देंगे। फइन्ना अलैहिम मुक्तदिरून, हम इस पर इन पर कादर हैं, हम इन पर कादर हैं, इनको जब चाहे पकड़ सकते हैं, इन्हें पकड़ना हमारे इख्तियार में, आपको उठाने या आपको दिखाने, आपकी जिंदगी में ये हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ग़ज़वाए बदर में ये सूरत हाल है वो वाक़ई तौर पर पेश आ गई। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, ऐ मेरे नबी, आप पर जो वही की गई है आप उसे मजबूती से पकड़े रखें। इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, आप यकीनन सिरातिल मुस्तकीम पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ढास मंडाते हुए फरमाया, आप सिरातिल मुस्तकीम पर हैं, इस बात पे तो आप 100% मुतमिन हो जाए। और जो वही आप पर की गई है, जो वही नाज़िल की गई है, उस वही के साथ आप तमस्सुक रखें, वही पर कारबंद रहें, वही के साथ ताल्लुक जो है वो कायम रखें। रहा मामला ये कि आपके जहन में कोई शक आए कि पता नहीं मेरा रास्ता ठीक है या नहीं, इन्ना का आला सिरात मुस्तकीम, तू यकीनन सीधे रास्ते पर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर थे उससे सीधा रास्ता और कौन सा हो सकता है? आज के मुसलमान का रास्ता तो गलत हो सकता है और है, हमारे मुसलमान ही है ना सारे, सरकारों, दरबारों, मजारों, इन सब पे जाने वाले मुसलमान हैं, लेकिन क्या ये सीधा रास्ता है? ये बहुत टेढ़ा रास्ता है। क्या जवान तो मुसलमान है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के लिए ये क्या क्या कुछ खिला रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ मेरे नबी, तू सिराते मुस्तकीम पर है, तू राह रास्त पर है, पूरे इत्मीनान के साथ अपना काम करता रहे और वही के साथ तमस्सुक कायम रख। وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, और ये जिक्र, ये नसीहत है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए। ऐ मेरे नबी, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है। ये कुरान करीम क्या सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के लिए नसीहत है? ये क़यामत तक के हर इंसान के लिए नसीहत है। लेकिन चूंकि मक्का में कुरैश के कबीले में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के एक फर्द को जब नबुव्वत दी गई, उन्हीं पे वही नाज़िल की गई, तो सबसे पहले शर्फ किसके लिए हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और कबीले के तौर पर सबसे पहले कुरैश के। फरमाया ये नसीहत है आपके लिए और आपके खानदान के लिए, कौम के लिए। वसौफ़ तुसअलून, और अनकरीब आपसे तुम सबसे इसकी बात को सुनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना मकाम दिया कुरैश को, उनमें नबी भेजकर, उससे बड़ा मकाम किस कौम का, किस कबीले का होगा कि जिसका एक फर्द नबी हो। पूरे इंसानों का सबसे बड़ा लीडर दुनिया में कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों वो किताब जो आई थी, 100 बड़े लोग, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल
पर्सन था, क्या था, 100 मुअस्सर तरीन शख्सियात काफर ने किताब लिखी और सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। उसका वो हिस्सा जो है वो उर्दू में भी छपा हुआ है, उर्दू में छप गया, मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हो गया, खास तौर पर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता। उससे पूछा गया तू ईसाई है, क्रिश्चियन है, तुझे तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना चाहिए था, तुमने पहले मोहम्मद का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा कि मैं एक मुअर्रिख की हैसियत से, मैं ईसाई मुसलमान की हैसियत से नहीं, एक मुअर्रिख की हैसियत से मैंने पूरी तारीख पर अपने पूरे इंसाफ के साथ जब निगाह दौड़ाई तो मुझे मोहम्मद से बड़ा कोई इंसान नजर नहीं आया। जिस कौम का फर्द पूरी इंसानियत का बड़ा इंसान हो, उस कौम के लिए शर्फ क्या कम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शर्फ है, आपको नबुवत मिली, आपका ये शर्फ तो किसी भी शर्फ से आला है, लेकिन कौम को भी कितना बड़ा शर्फ मिल गया कि उस कौम में ये नबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये कुरान नसीहत है आपके लिए और आपकी कौम के लिए, और ये शर्फ जो कौम को दिया गया है इस शर्फ का ये पास करेंगे नहीं, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। और पास किया कौम ने, चंद लोगों के सिवा किसी ने पास नहीं। और यहां जो वह लगा वाले कौम का, यहां जिक्र का माना नसीहत किया गया और इसी का माना शर्फ भी किया गया है कि ये शर्फ है कुरान, शर्फ है तुम्हारे लिए और ये शर्फ है तुम्हारी कौम कौमे कुरैश के लिए। दोनों मानों में बात एक ही रहती है कि ये कुरान शर्फ भी है, ये कुरान नसीहत भी है, और ये कुरान सिर्फ कुरैश के लिए नसीहत नहीं, आगाज वहां से हुआ पूरी दुनिया के लिए नसीहत है। कुरान के बिल्कुल आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिका अल-किताब ला रैबा फीह हुदल लिल-मुत्तकीन, यहां तो कुरैश का जिक्र नहीं आया ना, कौम का जिक्र नहीं आया, हुदल लिल-मुत्तकीन। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जा बजा मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ अंदाज से कहा कि ये हिदायत है सबके, जो हिदायत हासिल करना चाहे, जिसके दिल में जरा भी हिदायत पाने की तमन्ना है, ख्वाहिश है, थोड़ी भी कोशिश करे कि राह हिदायत तलाश करूं, अल्लाह उसे राह हिदायत देता है। ये सिर्फ कुरैश के लिए नहीं बल्कि तमाम नौ इंसान के लिए, कुरान करीम को तो किताब हिदायत कहा गया है, ये किताब हिदायत है, ये किताब शिफा है, ये किताब इलाही बहुत सारे फजाइल बहुत सारी बरकात का मजमू है। وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, और पूछिए पूछिए उनसे, मन अरसलना मिन कबलिका, जिन्हें हमने आपसे पहले रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, मिन रुसुलिना, अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहतन युअबदून, क्या हमने किसी नबी को ये कहा या किसी नबी के जमाने में ऐसा किया कि अल्लाह रहमान के सिवा कोई और भी बुत है जिसकी इबादत करो। अल्लाह ने फरमाया वसल, और ऐ मेरे नबी पूछ कर देख लीजिए, मन अरसलना मिन कबलिका मिन रुसुलिना, उन रसूलों से जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा, अजअलना मिन दून रहमान आलिहतन, क्या हमने रहमान के सिवा कोई दूसरा माबूद ऐसा बनाया जो अबदून कि जिनकी इबादत की जाए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह कह रहे हैं कि पहले रसूलों से पूछो, अब पहले रसूल तो हैं नहीं, तो पूछने से मुराद क्या है, उनकी तालीमात, उनकी किताबें, तौरात इंजील ज़बूर, ये जो किताबें हैं इन किताबों से कहीं से भी निकाल के देखो, आज तो शायद किताबों में निकल भी आए किताबें, किताबें ही असल हालत में नहीं रहे। ईसाइयों के मौलवियों ने, यहूदियों के मौलवियों ने अपनी किताबों में तहरीफ करके उसे एक नया ही रंग दे दिया, वरना
असल तौरात, असल इंजील, असल ज़बूर, उनमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिल सकती कि जिसमें अल्लाह के सिवा भी किसी को महबूद मानने का कहा गया। अगर वहां कभी कोई ऐसी बात होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात ना कहती कि ऐ मेरे नबी पहले रसूलों से पूछ लो, पहले रसूलों से या पहले रसूलों की किताबों से। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि यहाँ एक कलमा जो है वो मख्फी है और वो है वसल मन अरसलना, वसल अतबा मन अरसलना, जिन्हें हमने पहले रसूल बनाकर भेजा उनसे ताल्लुक रखने वाले उनके पैरोकारों से पूछो, यानी ईसाइयों से, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल यहूदों नसारा से पूछ कर देखो कि क्या हमने उनकी किताबों में कोई ऐसी बात रखी है कि अल्लाह के सिवा भी किसी की बात की जा सकती। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना सिर्फ कुरान करीम बल्कि पहली की तमाम किताबों की तालीमात का निचोड़ दे दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हर नबी की दावत ये और हर किताब में ये दावत आई कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद बरहक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना भी तो यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह के सिवा माबूद तो बेशुमार है। हिंदुओं के यहां अपने 36 मिलियन या कितने मिलियन, एक दो मिलियन, एक दो चार सौ हजार लाख नहीं, मिलियन के हिसाब से माबूद हैं हिंदुओं के। और वो माबूद हिंदुओं के, हमारे मुसलमानों के, ईसाइयों के माबूद बेशुमार हैं, लेकिन माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह के लायक, जो इबादत के लायक सही मानों में है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम पर जो आजाब नाज़िल हुए उनका तस्करा शुरू किया है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो मुझे और आप सब लोगों को कुरान करीम पढ़ने, सुनने, समझने और इसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अजीज, बल्कि यूं कहें कि मेरे बिरादर निस्बती, ये इसी हफ्ते के दौरान फौत हो गए हैं, अहले तौहीद में से थे, बड़े अच्छे साफ सुथरे अकीदे के, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हज उमरा की सआदत भी अता फरमाई छोटी उम्र में। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे, उसकी बस्ती कुताहियों को अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में आला अता फरमाए। और भी कोई किसी का अजीज फौत हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी मदद करे। कुछ लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारी दूर करे, शिफाए कामला अल्लाह अता फरमाए। परेशान हाल लोगों की परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। बाद लोग बेरोजगार हैं, यहाँ होते हुए भी रोजगार नहीं है, उन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रोजगार अता फरमाए और इसके हलाल वाफर अता फरमाए। आज मेरा ख्याल पहला दर्स था, सवाल कोई नहीं है, इंशाल्लाह अगले दर्स के लिए सवाल तैयार करेंगे और